अस भाई शुरुआत करते हुए बॉलिंग की, और राशिद भाई वही अपने पहले मजाकिया मूड से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में फायर बॉम्ब हो जाएगी वो। आराम से बोल रहे हैं पर वो ज़रा आराम से नहीं खेलते, बॉलरों का पसीना छुड़वा देते हैं। और इम्तियाज़ भाई जो कि उनके बड़े भाई है, तो उनको कितना एक्सपीरियंस होगा? छोटे भाई को इतना है तो बड़े को कितना होगा? और वही अभी एक्सपीरियंस बताएंगे इम्तियाज़ भाई। बहुत ही अच्छी बॉल, पहली बॉल बहुत ही अच्छी, आसिफ भाई मिस। आज आसिफ भाई का दिन थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ा सा खराब चल रहा है आसिफ भाई का दिन, पर उन्हें फॉर्म में आने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आसिफ भाई में एक कमी है, एक ही जगह पे सब शॉट खेलते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ नहीं खेलते, क्योंकि वो उनका फेवरेट शॉट है, इसके लिए वो लेग में खेलते हैं। फेवरेट शॉट नहीं होता, फेवरेट शॉट दो टांग के बीच के होता है, तो ग्राउंड में चारों तरफ खेलना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। वो एक ही साइड खेल रहे हैं। और यहाँ पे इम्तियाज भाई की अगली बॉल आसिफ भाई के लिए। आसिफ भाई बहुत ही अच्छा शॉट स्ट्रेट मारा है इनने, मखदूम जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर है बीकेसी के, और ये टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं। उनकी जर्सी का नंबर 100 और लिखा हुआ चैंपियन है, और वो है अकेले में चैंपियन। और चैंपियन की तरफ से बोबा को 100 रुपये का इनाम। और यहाँ पे अगली बॉल इम्तियाज भाई की, बहुत ही अच्छा रिलीज और एकदम टेस्ट की याद दिला दी, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और यहाँ पे एकदम ऐशेस वाली बैटिंग दिख रही है, बहुत ही अच्छी बैटिंग। और यहाँ पे तालमेल में प्रॉब्लम, राशिद भाई बहुत ही बड़ी विकेट, इम्तियाज भाई खुश और राशिद भाई ने बैट पटक दी है, और दोनों ही बैट्समैन नाखुश। शोएब भाई मैंने दूसरा माइक क्यों मंगाया हूँ, सब आप ही बोलेंगे तो मैं क्या करूँ, ले लो ये भी रख। माफी चाहता हूँ लतीफ भाई, आप बोलिए। अबे भाई वो फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चा उसकी, नए बैट्समैन। और यहाँ पे बोलिए बोलिए, इन्हें काफी अनुभव है, ये अनुभवी फील्डर डेनी भाई, डेनी आए हैं अगली मैच का होपफुल, कम से कम 35 लेके आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, ऑरेंज कैप की दावेदारी इनके पास है, तो सोचिए क्या फॉर्म में चल रहे हैं। और बहुत अच्छा शॉट, और मखदूम दूसरी बार मछली करते हुए, और इम्तियाज भाई पहली ओवर में उन्हें जो करना था जिसके लिए आए थे वो कर दिया है, बस एक ही समस्या है इनके सामने आसिफ भाई। लास्ट बॉल, और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। आसिफ भाई फिर से खेलते हुए, आसिफ भाई को लगता है ठंडी लग रही है इसलिए ग्लव्स पहन के खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा यार, आसिफ भाई का फेवरेट शॉट पख्तून की ट्रैक के बाजू से, और रन बता रहे 2 मीटर दर भाई। रन कितना हुआ सर? और एक ओवर की समाप्ति पे इमरान 11 का 8 रन। अंपायर से बहस नहीं करिए, अंपायर से बहस ना करिए, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। नदीम भाई बेहतरीन अंपायर, अंपायर को पानी पिलाया जाए, बहुत देर से अंपायरिंग करके उनका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो रहा है, अंपायर को पानी लाके दीजिए कोई, अंपायर से कोई बहस ना करे। सबसे गुजारिश है सभी फील्डरों से, अंपायर से कुछ मुंह दराजी ना करे, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से हमारी अंपायरिंग कर रहे हैं बिना भी एक गलत डिसीजन दिए, तो अंपायर से कोई भी बहसबाजी ना करिए प्लीज भाइयों, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। अंपायर गुस्से में इसलिए भी है। ओहो, और यहाँ पे इम्तियाज भाई का बहुत ही अच्छा कॉल, उनके हैट्रिक बॉलर को बॉल दिया है, और सामने उनसे भी अच्छे बैट्समैन डैनी भाई, ऑरेंज कैप की दावेदारी है इनके पास इस टूर्नामेंट में, अच्छे बैट्समैनों की लिस्ट में डैनी भाई भी कुछ पीछे नहीं है। और मेरे सामने जॉन्टी रूट जो कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, जॉन्टी रूट हमारे महमूद चचा,
और यहाँ पे आवेज अपनी बॉल लेके तैयार। सामने डैनी भाई ने छह मार दिया है, क्या बात है क्या बात है। इन्हें तो ऑरेंज कैप अभी दे दिया जाए। इमरान भाई से गुजारिश करूंगा, डैनी भाई को ऑरेंज कैप दे दीजिए, क्योंकि उनकी बैटिंग देख के बहुत ही मजा आ रहा है हमारे सभी दर्शकों को। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे डैनी भाई, बहुत अच्छी बैटिंग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बैटिंग डैनी भाई की तरफ से। ऐसी वो ऑरेंज कैप की दावेदारी में नहीं है, कुछ है उनमें बात। इमरान भाई के मेन बैट्समैन है, तुरुप के इक्के है डैनी भाई, और जब बीकेसी टीम में खेलते हो तो क्या कहने उनके। ओहो, और यहाँ पे आवेश अपनी अगली बॉल लेके तैयार। बहुत ही अच्छी और किफायती गेंद आवेश की तरफ से। बॉलर आसिफ भाई को भी खेलने के लिए परेशान हुई, मतलब बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे आवेश की तरफ से। डैनी भाई ऑरेंज कैप के दावेदार यहाँ पे बैटिंग पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट, पख्तून को कैच पकड़ना चाहिए था, पर बॉल बॉल के तरफ जाना पड़ेगा। अब्बास भाई बॉल अपने पास नहीं आता है, चलेगा। बैड लक, बैड लक अब्बास भाई, बैड लक। मखदूम आपको बोल रहे आगे जाने, और यहाँ पे अब्बास भाई अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, और यहाँ पे आवेज अपनी तीसरी गेंद की तरफ। और ये आवेश अंपायर बोल रहे हैं आप ना बोलिए, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन है आसिफ भाई। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट गैप में मारा है, अब्बास भाई के बाजू से मारा है, इसे ही कहते हैं शॉट। रन बता रहा आसिफ भाई, दो मिनट, 21 रन, 21 रन। रियान भाई मैं बार बार नहीं बोलूंगा, और यहाँ पे आ गए हैं बाबू कसाई की शान अब्बास पठान। और यहाँ पे बाबू कसाई की शान अब्बास पठान बॉलिंग पे, उनके सामने ऑरेंज कैप के दावेदार डैनी भाई। अंपायर ने अजहर भाई को वार्निंग दिया उनकी पैर के लिए, और अजहर भाई ने भी बहुत ही अच्छे से उनका रिस्पांस किया, शुक्रिया बहुत ही ज्यादा अजहर भाई के लिए। और यहाँ पे अब्बास भाई की पहली बॉल लेके तैयार, सामने ऑरेंज कैप दावेदार डैनी भाई, पहली बॉल इन नो, इसे कहते हैं ऑरेंज कैप का प्रेशर अब्बास भाई पे साफ जाहिर होता हुआ। क्या हो गया? और यहाँ पे बीकेसी 11 के कैप्टन फैसल भाई लेग के तरफ फील्डिंग, आसिफ भाई जरूर प्रेशर में फील कर रहे गए फैसल भाई को देख के, और इसीलिए उन्हें आगे खेला है। क्यों ना प्रेशर हुए फैसल भाई, उनका नाम ही फैसल मेमन है, खौफ तो जरूर रहेगा सभी फील्डरों में। लेग छोड़ के अपना फेवरेट शॉट छोड़ के आगे मार रहे, वाइड बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, फ्री हिट। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी कीपरिंग, और यहाँ पे प्लीज अंपायर को बात करने दीजिए, हट जाइए फील्डर्स, अंपायर को बात करने दीजिए, हट जाइए फील्डर्स। इम्तियाज भाई आपसे गुजारिश है, आपके फील्डरों को हटा दीजिए अंपायर के पास से। ओके फाइन। और यहाँ पे हाँ भाई, अभी कमेंट्री के बीच में
और यहाँ पे आउट का इशारा। और यहाँ पे अब्बास पठान जो कि थोड़ा प्रेशर में बॉलिंग कर रहे थे, पर ये विकेट के पास ज्यादा उनपे प्रेशर रहेगा नहीं। अरे यार रेंदे साहब सुन रहे बेटा, ये फैसल हुआ है, मैच अभी मैच चालू है बेटा, नहीं कर सकते यार, फिर अपनी ये वाला की पब्लिक अपन जितना होगा अच्छा ही कमेंट दो। मखदूम भाई थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं ग्राउंड पे, क्या हो गया मखदूम भाई आपको? थोड़ा बॉलर के साथ तालमेल मिलाइए। और यहाँ पे अब्बास पठान बॉलिंग कर रहे हैं, अंपायर से बहस ना करिए अब्बास भाई। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, वाइड बॉल, सॉरी माफ करना। और अगली बॉल अब्बास भाई की, बहुत ही अच्छा ऑफ में क्लिक किया है इम्तियाज भाई की, अच्छी फील्डिंग और ओवर थ्रो में रन जा सकता है। नहीं अब्बास, यहाँ पे आवेश के अच्छा बैकअप था वहाँ पे, वरना एक रन चुराने के लिए रेडी थे डैनी भाई। और यहाँ पे डैनी भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग पर अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। अब्बास भाई साफ जाहिर हो रहा है आपके चेहरे पे प्रेशर डैनी भाई का, ऑरेंज कैप होल्डर है जो, और यहाँ पे बताया क्यों है वो ऑरेंज कैप होल्डर। बहुत ही अच्छी बैटिंग, बहुत ही अच्छी बैटिंग डैनी भाई, मैच के बाद वो बाबा 100 रुपए देंगे, इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं जो। और डैनी भाई बहुत ही मस्त फॉर्म में, पुराने दिनों की याद दिला दी इन्हें, वापिस अपने पहले वाले फॉर्म में। और आवेश ने बहुत ही बड़ी चांस छोड़ दिया है, आवेश ने डैनी भाई का विकेट छोड़ा है, बहुत भारी पड़ सकता है उनकी टीम के लिए और उनके कैप्टन इम्तियाज भाई के लिए। और यहाँ पे प्रेशर साफ दिख रहा है इम्तियाज भाई 11 पे, और यहाँ पे चेक किया पर डैनी भाई अपना अनुभव दिखाते हुए, और मुजाहिद भाई बैटिंग करते हुए फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना है, फील्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है इम्तियाज भाई 11 की टीम, क्योंकि इमरान भाई 11 सारे फील्डरों को मार्क करके खेलते हैं, हूबहू ऑस्ट्रेलिया जैसा। और ये मैच फिर शुरू होते हुए अंपायर का इशारा होते साथ ही शुरू होगी मैच। और यहाँ पे अब्बास भाई बहुत ही बड़ी ओवर डाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा शॉट, मुजाहिद भाई का फेवरेट शॉट, बहुत देर से इंतजार था कब मारेंगे, और इन्हें आखिरकार मारी दिया अपने दर्शकों को। 37 रन अब्बास भाई का बहुत ही महंगा ओवर। और चित्तू भाई ओहो कुरला के नंबर वन बैट्समैन, बार बार हम नहीं बताएंगे 37 रन हुआ है, इसके बाद नहीं पूछना मखदूम भाई। और यहाँ पे कुरला पाइप फोड़ के फैसल भाई बॉलिंग पे, और सामने ऑरेंज कैप के दावेदार डैनी भाई बैटिंग पे, देखते हैं कैसा बॉलिंग डालना सोचेंगे फैसल भाई इनको। अंपायर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बॉल लेग में ट्राई किया था, और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, उसके चलते डैनी भाई ने 2 रन चुराने का सोचा, पर मुजाहिद भाई का अच्छा कॉल, डैनी भाई फिर से गए, अगर भागते तो शायद आउट हो जाते थे डैनी भाई, और बहुत ही बड़ा विकेट रहता था यहाँ पे इम्तियाज भाई 11 के लिए। और यहाँ पे दूसरा बॉलर बहुत ही अच्छा शॉट, सालिफ का बहुत ही क्लासिकल कैच, हार्ड कैच को इजी बनाया, बहुत ही अच्छी कैच सालिफ की। और यहाँ पे इमरान भाई जो कि कैप्टन है बीकेसी एक्सप्रेस के, खुद बैटिंग पे आ रहे हैं, और अब फैसल भाई थोड़े से उनको प्रेशर में, और क्यों ना हो उनके सीनियर फील्डर भी है, उनके सीनियर कैप्टन भी है, और बीकेसी के शान आन बान है, तो सारे फील्डर
इनकी बैटिंग देखने के लिए ऑडियंस रुकी है। 1 बजे तलक का भी टाइम हो चुका है, टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं तो भी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है क्योंकि इमरान भाई की बैटिंग बाकी है और इमरान भाई फैसल भाई का सामना कर रहे हैं और प्रेशर साथ ही का फैसल भाई के, उनकी ये बॉल नो थी और क्यों ना वो सामने इमरान भाई जो बैटिंग कर रहे हैं और इमरान भाई फ्री हिट का सामना करेंगे अपनी पहली बॉल पे और बहुत ही अच्छा है फ्री और यहाँ पे अच्छा कॉल डैनी भाई का और यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल में प्रॉब्लम दिखा यहाँ पे बीकेसी एक्सप्रेस के 2 बैट्समैनों के बीच में और यहाँ पे फैसल भाई बराबर फील्डिंग चेंज करके खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग फैसल भाई के तरफ से, बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं फैसल भाई अपनी अगली गेंद बहुत बेहतरीन और यहाँ पे फैसल भाई ने खत्म की डैनी भाई की पारी और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बैटिंग करके जा रहे हैं डैनी भाई, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग किया है और उससे भी अच्छी फैसल भाई की ये बॉल और रेहान ऑटो पार्ट्स अफान मोटर पार्ट्स की बहुत ही अच्छी कैच। बाउंड्री पे खड़े है, कद छोटा है पर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। इमरान भाई के तुरुप के क्या आते हुए यहाँ पे ग्राउंड पे रेहान डेकोरेटर्स, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं ये। बीकेसी में अगर ये ना होते तो आज बीकेसी एक भी ट्रॉफी ना जीतती थी, जितना भी हमारा खेल में योगदान है वो सब खामोश। और यहाँ पे रेहान डेकोरेटर बैटिंग पे बहुत ही अच्छा शॉट चीरता हुआ पर उससे भी अच्छा कैच रेहान, बैड लक, बहुत अच्छा शॉट मारा था आपने, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे रेहान डेकोरेटर की तरफ से पर नदीम भाई बहुत अच्छे, वेल कैच। बहुत बुरा चल रहा है, 40 रन भाई, 40 रन। और यहाँ पे एक इमरान भाई के एक और एक अनमोल रतन आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इमरान भाई को सोहेल भाई से और क्यों ना हो, सोहेल भाई वैसे फील्डर बॉलर बैट्समैन है और यहाँ पे आवेश भाई जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखा रहे हैं अपने कैप्टन को। फैसल भाई यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा है और यहाँ पे थोड़ा अजहर भाई लेट हो गए, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। और थोड़ा सा और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रागीब भाई से, बहुत ही अनुभवी फील्डर है रागीब भाई भी, दोनों एक्शन में बॉल डालते हैं रागीब भाई, बहुत ही जाने माने कुरला के नामचीन फील्डर। और यहाँ पे बॉलिंग नहीं डालते हैं पर चित्तू भाई आ चुके हैं क्योंकि उनकी टीम की हालत अभी थोड़ी सी खराब चल रही है। चित्तू भाई कभी बॉलिंग नहीं करते हैं, बहुत कम ऐसा दिखने को मिलता है, क्या सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा है, बहुत कम ऐसा दिखता है क्या सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा है पर आज ये बीकेसी प्रीमियर लीग है ही ऐसी, जो कुछ नहीं दिखने मिलेगा वो सब यहाँ पे तुम्हें दिखने मिलेगा, इसके लिए इसे अनोखी प्रीमियर लीग कहा जाता है। और यहाँ पे चित्तू भाई पहली बॉल डाल के नो बॉल और यहाँ पे रन चुराया हनीफ भाई की थोड़ी सी मिस फील्डिंग, अंपायर का इशारा नो है रईस भाई। और यहाँ पे रेहान डेकोरेटर हौसला देते हुए इमरान भाई को और यहाँ पे हिट विकेट, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि इमरान भाई कभी ऐसा दिखता नहीं ऐसा आउट होते हुए और यहाँ पे फ्री हिट तो भी इमरान भाई ज्यादा निराश हो गए क्योंकि वो कभी ऐसा आउट नहीं हुए, बहुत ज्यादा निराश हो गए। और यहाँ पे थोड़ा अंपायर टेंशन में दिख रहे हैं, अब अंपायर डिसीजन इज अ लास्ट डिसीजन।
और थोड़ा अभी अंपायर बात करेगी। मखदूम आपसे दरख्वास्त है, आप दूर जाइए अंपायर से। मखदूम आप दूर जाइए अंपायर से। और यहाँ पे इमरान भाई थोड़े नाराज दिख रहे हैं। कोई बात नहीं इम्मू भाई, अभी चित्तू भाई की 5 बॉल बाकी है और चित्तू भाई ज्यादा बॉल डालते हैं नहीं। और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर कहने वाले चित्तू भाई बॉल डाल रहे हैं। इम्मू भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग था पर एज लग गया इम्मू भाई का। सोहेल भाई बैटिंग पे आ गए हैं चित्तू भाई की बॉल का सामना करने के लिए। बहुत ही अच्छा 6 रन मारा है सोहेल भाई ने, बहुत ही अच्छा 6 रन। इसके वजह से इमरान भाई ने उनको 1 रन निकाल के दिया है। बहुत अच्छा 6 रन मारा है सोहेल भाई ने। बोले यार शॉट बहुत ही अच्छा सोहेल भाई का, पर उससे भी अच्छी फील्डिंग। स्कोर रन। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं मखदूम आप, बॉलर को रुका रहे हो। आहा, क्या बात है, जैसी बॉल वैसा छे, क्या बात है क्या बात है। इमरान भाई को फुल टॉस नहीं डाल सकते चित्तू भाई आप, क्योंकि नो बॉल। आगे बढ़े हैं आगे बढ़े थे इमरान भाई आप। इमरान भाई ये नो नहीं है, ये नो नहीं है, क्योंकि इमरान भाई थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। इमरान भाई ने अपना प्रेशर रिलीज किया है। रईस रन बताइए भाई, 64 रन। इम्तियाज भाई के चेहरे पे साफ प्रेशर दिख रहा है। बॉल कितनी हुई है रईस, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है। सोहेल भाई अंपायर से बहस ना करिए प्लीज, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, अंपायर से बहस ना करिए। चित्तू भाई लास्ट बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट। और अब्बास पठान सेम रिजल्ट, मिस फील्ड, उनकी मिस फील्ड के वजह से 2 रन। और इमरान भाई क्या बात है, आज भी आपके 2 रन बाकी है। 67 रन की जरूरत है 5 ओवर में, 67 रन इमरान भाई। अब्बास भाई आप ऐसी फील्डिंग नहीं करते हो, क्या हो गया है आपको। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बैटिंग दिखने को मिली इमरान भाई की तरफ से। अब इम्तियाज भाई की बारी है, ज्यादा रन तो नहीं बोलेंगे। अभी देखना है क्या इम्तियाज भाई की तरफ से कैसी बैटिंग का मुजाहिरा रहेगा। और मैं यही सोचूंगा क्या मखदूम ओपनिंग करे। मखदूम ओपनिंग करेगा तो ग्राउंड के सभी लोगों में बहुत ही उत्साह पैदा हो सकता है और दहशत का माहौल रह सकता है। मखदूम अगर ओपनिंग करेंगे तो सब ऑडियंस की यही है क्या मखदूम ओपनिंग करे। इम्तियाज भाई आपके बैट्समैन दोनों जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि फील्डिंग सच चुकी है इमरान भाई की। और आप फटाफट जाइए, कैमरे में मत आइए। और एम्पायर का इशारा कि बैट्समैन जल्दी भेजिए। एम्पायर स्टीव बकनर, बॉल दीजिए रईस भाई, बॉल दीजिए। इसके एम्पायर स्टीव बकनर। इम्तियाज भाई बैट्समैन जल्दी भेजिए, एम्पायर स्टीव बकनर चिढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चित्तू भाई जो कि सबको मालूम था वही आएंगे। 67 रन विन है, पर फिर भी इमरान भाई के चेहरे पे प्रेशर दिख रहा है साफ, क्योंकि उनके सामने चित्तू भाई है और उनके ही बाजू में ब्लैक टोपी में राशिद भाई है, जो कि बहुत ही गजब के फॉर्म में चल रहे बॉलिंग और बैटिंग को लेके। बहुत ही अच्छे ज्यादा फॉर्म में चल रहे राशिद भाई। और चित्तू भाई की बैट प्लीज जा भी है लाके दे दो चित्तू भाई को।
स्पोर्ट्स सुने ना तुमने, जेड स्पोर्ट्स बहुत मस्त है। आराम से। अरे भाई हाँ भाई, अरे रहेगा भाई। हाँ और यहाँ पे इमरान भाई बॉलिंग करने आ चुके हैं और सीजन खेलते हैं सालिफ, सीजन खेलते हैं ये। और यहाँ पे पहली बॉल डॉट, इमरान भाई एक्सप्रेस, इसके लिए नाम रखा गया क्योंकि इमरान भाई जब बॉल डालते तो एक्सप्रेस के साथ भागते हुए बैट्समैन के पास आके बैट्समैन को डरा देते हैं, और इसके लिए इनका नाम रखा गया इनकी टीम का बीकेसी एक्सप्रेस। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इमरान भाई की पहली बॉल, दूसरी बॉल भी बराबर डॉट, और मोइन भाई से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके वजह से बहुत ही बड़ी विकेट इनको हाथ से चले गई, और अगर ये विकेट हो जाती तो इम्तियाज भाई लगभग लगभग 50% मैच हार जाते, क्योंकि इनकी 50% उम्मीद ही चित्तू भाई पे, और क्यों ना हो, वो कुरला के जाने माने बैट्समैन जो है। इमरान भाई की बॉलिंग, गजब बॉलिंग, छोटा तीर घाव करे गंभीर, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री का मुजाहरा लतीफ चचा के, और यहाँ पे विकेट नहीं, वसीम बॉल। ये रजीन अबे इधर आओ, तुम लोग ऐसा खड़े ले भी। और बहुत ही मस्त यहाँ पे शायरी का मुजाहरा हुआ है, और यहाँ पे डी का इशारा है एम्पायर के तरफ से, डी है, डी रईस भाई डी है ये। इमरान भाई नाखुश हो गए मोइन भाई से क्योंकि दो स्टंपिंग मिस कर दिए मोइन भाई ने, मोइन भाई से ज्यादा ऐसा देखने मिलता नहीं है, कुरला के नामचीन कीपर है वो। बहुत अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, चित्तू भाई, चित्तू भाई ने चारों खाने चित्त कर दिए। और यहाँ पे सैफू को थोड़ा सा वार्निंग दिया, सैफू बहुत अच्छे चलेगा बेटा, कोई नहीं, वो बीच में बोल रहा था, बॉल डालने के बाद बोलिए बेटा। शॉट यार चित्तू भाई, और यहाँ पे ये सब कैच रियान, आप डाइव मार के पकड़ देते, क्या हो गया है आपको रियान, रियान बाहर ना देखिए, आपके वाइस कैप्टन आपको कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे भी नहीं हो। चलेगा रियान, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। रन बता रहा हूं भाई, 2 मिनट रन, 9 रन इमो भाई। और सोहेल भाई आते हुए चित्तू भाई के सामने, नो बॉल का इशारा, चित्तू भाई सुनने में थोड़ा लेट और नाखुश हो गए। फ्री हिट का इशारा, सोहेल भाई पहली बॉल नो डाले तो थोड़ा प्रेशर में जरूर रहेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत अच्छी फील्डिंग इमरान भाई की तरफ से, इमरान भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, संभालिए इमरान भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग इमरान भाई की तरफ से, आज भी स्टैमिना 18 साल वालों ही है। आराम से इमरान भाई, आराम से, आप अकेले नहीं, साथ में 90 किलो भाग रहा है आपके। 4 रन, बेहतरीन शॉट, 4 रन, 4 रन इमरान भाई का। बहुत अच्छा है यहाँ पे शॉट सालिफ का, और चित्तू भाई को एक बैट्समैन की जरूरत है क्योंकि उनका कोई साथ नहीं देगा, क्लोज कॉल, और ये आउट ही था क्योंकि सालिफ क्रीज के बाहर गिरे थे, और बहुत ही अच्छी कीपिंग। और मैंने जैसा कहा था मखदूम उतरेंगे तो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश होगी, और यहाँ पे जज्बात में
खेलते हैं मखदूम, इनके लिए सब तालियां बजा दीजिए। और यहाँ पे मखदूम आ गए, मखदूम की बैट नहीं मिल रही और इमरान भाई मेरे ख्याल से कुछ कमेंट जरूर मारेंगे क्योंकि इनके फेवरेट बैट्समैन है मखदूम, इमरान भाई के। इमरान भाई ए बैट दो ए। और मखदूम जैसे कल थे वैसे आज है, जैसे आज है वैसे हमेशा रहेंगे, आज इनने बता दिया है। और यहाँ पे जेडे की बैट जो कि इनके सामने जेडे के मालिक खड़े हैं चित्तू भाई, और यहाँ पे कुछ तालमेल हुआ इमरान भाई और मखदूम का, वो मैच के बाद पूछेंगे क्या था। और यहाँ पे बहुत ही कमाल का शॉट मारा है मखदूम ने, क्लासिकल शॉट। और ये क्या कर रहे हो मखदूम, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, उनसे पूछिए ना कि उनको बताइए। बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पे मखदूम की, और यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट मखदूम का। और अक्सर देखा गया है मखदूम टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं और सादे में प्रेशर में आए थे, यही खासियत होती है बड़े बैट्समैन की। और मखदूम साफ बताते हुए क्या वो एक बहुत ही अच्छे और उमदा बैट्समैन है। और यहाँ पे मखदूम, और यहाँ पे सेकेंड बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट। और यहाँ पे कोई चांस नहीं, तीन पे तीन चौका लगा चुके। स्कोर बता रहा हूँ, दो मिनट राइस भाई, स्कोर कितना हुआ? 27 रन। मुझे आइडिया नहीं है, देखता हूँ देखता हूँ। आवे तीन ओवर में 40 रन चाहिए, तीन ओवर में 40 रन की जरूरत। और चित्तू भाई जब तक का खड़े है, जब तक का इम्तियाज भाई 11 को होप है क्या वो ये मैच उनके हाथ में ही है। दोनों टीम अपनी पिछली मैच हार के आ रही है और इमरान भाई जीत के आ रहे हैं, तो इमरान भाई सोचेंगे क्या एक मैच जीत के मैं और ऊपर जाऊं। और यहाँ पे मखदूम साफ अपना प्रदर्शन दिखाते हुए अंपायर से बहसबाजी करके, यहाँ पे बहुत अच्छी बॉल पर उससे भी बहुत बेहतरीन शॉट। और यहाँ पे चित्तू भाई अपना एक्सपीरियंस साफ दिखाते हुए, अब्दुल्ला नीचे बैठ जाओ, बहुत अच्छा बॉलिंग था यहाँ पे। राशिद भाई चेंज करे, मखदूम आप बीच में ना बोलिए, मखदूम आप बीच में ना बोलिए, यहाँ पे दो अंपायर है, यहाँ पे सब मैनेजमेंट है, दो कैमरा है, 6 वॉलंटियर्स है, आप बीच में ना बोलिए प्लीज, आप अपनी बैटिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो आप। और यहाँ पे अरे, और यहाँ पे आतिफ को कैच पकड़ना था, यहाँ पे चित्तू भाई को दो चांस दिया गया, तीन चांस दिया गया, माफ कीजिएगा तीन चांस दिया गया। और चित्तू भाई को एक चांस मिलता है तो सामने वाली टीम वाले अफसोस करते हैं, यहाँ पे इमरान भाई की टीम ने तीन चांस दे दिया है और ज्यादा रन भी नहीं मारना है, 66 रन का टारगेट है। बहुत ही अच्छा शॉट डैडी भाई, और यहाँ पे बैट हवा में है तो शायद आउट दे अंपायर। और यहाँ पे मखदूम का विकेट, बहुत बेहतरीन फॉर्म में डैनी भाई, क्या बात है डैनी भाई, क्या बात है। बहुत अच्छी फील्डिंग डैनी भाई, क्या बात है डैनी भाई, अंपायर स्टीव बकनर नाराज हो गए। अंपायरिंग प्लीज आप अंपायरिंग से ना हटिए क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी।
एक तो एम्पायर तपे हुए इसलिए है कि उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पे राशिद भाई और राशिद भाई थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं। चित्तू भाई अगली बॉल का सामना करेंगे और छह रन कोई चांस नहीं मोइन भाई के लिए और स्कोर है 38 रन चार बॉल। चित्तू भाई के छोटे छोटे हाथ लेकिन शॉट लंबे लंबे। चित्तू भाई जब तक का चांस है मकदूम लोग बाकी बैटिंग खत्म हो गई और यहां पे बहुत अच्छा चार रन चित्तू भाई का। वन साइड बैटिंग चित्तू भाई की। इम्तियाज भाई पीछे से बहुत ही ज्यादा खुशी दिख रहा है उनके चेहरे पे और यहाँ पे क्या शॉट मारा है यार विराट कोहली की याद दिला दी इन्हें तो 46 रन इमरान भाई 46 रन। अभी इसके बाद हम नहीं बताएंगे और यहाँ पे चित्तू भाई ने बहुत ही हार्ड मैच को दम करीब कर दिया है और इमरान भाई ने अपने तुरुप के इक्के को निकाला है डैनी भाई को। और डैनी भाई कुछ भी कर सकते हैं आज अगर अभी भी चित्तू भाई की विकेट हो जाती है तो इमरान भाई का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि इम्तियाज भाई के सभी बैट्समैन आउट हो चुके खाली अभी रेहान और चित्तू भाई बाकी है और आ चुके बीकेसी के बहुत ही नामचीन जिनको मैकेलम कहा जाता है छोटा मैकेलम कहा जाता है इनको और ये लेफ्टी है तो इनको बहुत बेनिफिट है क्योंकि ये अपने सारे काम उल्टे हाथ से करते हैं। और यहाँ पे रेहान बैटिंग कर रहे हैं माफ करना मैकेलम ब्रेंडम मैकेलम बैटिंग पे शॉट यहाँ पे बताया इन्हें क्यों मैकेलम कहा जाता है साफ जाहिर कर दिया है इन्हें मैकेलम क्यों कहा जाता है। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे मैकेलम के बैट से छह निकलते हुए बहुत बेहतरीन यहाँ पे रेहान हूबहू मैकेलम शॉट मारे हैं ने ओ जानी क्या शॉट मारा है आपने शाबाश ओ कबीरा ओफ। और यहां पे अंपायर थोड़ा सोच में है अंपायर थोड़ा सोच में है अभी तक का रेहान को आउट नहीं दिया गया नीचे बॉल लगा अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या आउट है यार क्लियर कट। यहाँ पे दोनों अंपायर गुफ्तगू करते हुए नॉट आउट दिया गया है नॉट आउट दिया अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। यहाँ पे अंपायर से बहसबाजी कमेंट्री बॉक्स में भी आउट दिख रहा था रेहान की विकेट के लिए यहां पे बहुत ही देर से मचमच चालू है। यहां पे आसिफ भाई की बहुत अच्छी कैच थी पर अंपायर का डिसीजन नॉट आउट क्योंकि बॉल नीचे टच था अंपायर ने बहुत ही बारीकी से देख के इसे नॉट आउट दिया है। अंपायर से बहस ना करिए आसिफ भाई नहीं मुझे ऐसा लगता है अंपायर की दूर की नजर कमजोर है ये तो मुझे भी आउट दिखा पर अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन।
अंपायर को बादाम की जरूरत है। और यहाँ पे अगली गेंद तो आंख की रोशनी शॉट बहुत अच्छा अंपायर की तरफ से और आउट। चीड़ की डाई चीड़ में जाती है ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बहुत स्कोर बताइए। स्कोर कितना हो रहा है इस भाई? 57 रन हुआ है और कैप्टन खुद बैटिंग संभालने आ चुके हैं पिच पे। चित्तू भाई क्या कहने इनके, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करके अपनी टीम को जीत के करीब लेके आ गए। इम्तियाज भाई नॉन स्ट्राइक पे थोड़े से गरम और यहाँ पे 4 रन। इम्तियाज भाई को कैप्टन कूल कहा जाता है पर ये टूर्नामेंट में उनका भी दिमाग गरम हो चुका है तो ये बात से आप देख लीजिए टूर्नामेंट अनोखी प्रीमियर लीग क्यों कहा जाता है। कैप्टन कूल भी गरम हो गए और यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट मुजाहिद भाई के, बहुत अच्छी फील्डिंग डैनी भाई का, स्टंपिंग आउट नहीं है। रन ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पे रन 62 रन। ओहो मैंने तो पहले ही कहा था अगर चित्तू भाई 5 ओवर तक का खेलते हैं तो 66 रन उनके लिए बहुत ही मामूली है। और यहाँ पे कैमरामैन नींद में है, सो रहे हैं, कैमरामैन को चाय पिलाइए। और यहाँ पे बहुत अच्छी बॉल चित्तू भाई को और यहाँ पे सेम हाल इमरान भाई की टीम का, एक बार में बॉल नहीं आ रहा है इमरान भाई के फील्डरों के। और अभी तो इमरान भाई के वाइस कैप्टन खड़े थे लेफ्ट फील्ड में और हमारे कैमरामैन जगमोहन डालमिया जागे ही है। और थोड़ा हमारे कैमरामैन चिड़चिड़े माइंड में आ चुके हैं, इनको कोई पानी पिलाइए बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। और अभी भी ये मैच फंसा हुआ है। इमरान भाई फील्डिंग में फेर बदल करते हुए कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये मैच है, मैच किसी का नहीं होता है। पीछ पे झाड़ू मार रहे हैं क्या? नहीं। जिसका दिन वही अच्छा खेलता है, बाकी तो फिर इम्तियाज भाई एक्सरसाइज अपनी बॉडी खोलते हुए, बहुत ही अच्छी बैटिंग इनके तरफ से भी होती है मुजाहिद। और ये और यहाँ पे इमरान भाई थोड़े से लूज, तेरे बाप को भी और यहाँ पे चित्तू भाई फुल टॉस नहीं डाल सकते आप चित्तू भाई को। हबीब डेकोरेटर के पास ही बैनर पे गया है सीधा बॉल इनका। कैमरामैन प्लीज बैनर पे फोकस करिए प्लीज। अरे यहाँ पे लेजेंड्स के वाइस कैप्टन बहुत ही खुश दिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपकी दो जीत इतनी अच्छी हुई है। बोबा आप जो बहुत अच्छी कॉमेंट्री कर रहे हो, आपका मुंह दर्द दे रहा है? नहीं दर्द दे रहा, खाना ना कितना खा गया है? दूसरी मैच के